Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now, I am here for discussing about agriculture from lesson 8 of 8th standard students. You have already learned about agriculture, crop rotation, varieties types of crops. Now, I have to discuss about irrigation. What is irrigation? Irrigation matlab, it is necessary to supply water to the crops in the field. Crops ko pani ki zarurat hai. Kyunki pani nahi milega, to plant ka growth nahi hoga. To लैंड में, फील्ड में, प्लांट में पानी देने का जो प्रोसेस है उसे कहता है इरिगेशन. दिस इज टर्म्ड एज इरिगेशन. आप इरिगेशन का सप्लाई वाटर का टू मेथड है. एक होते ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत पहले होता था, जैसे रोप बाकेट पुले मोट मेथड, पुले के द्वारा जो वाशे पानी उठा के दिया जाता है, स्विंग बाकेट मेथड, ढेगली मेथड एक्सेट्रा. लेकिन इस मेथड से वाटर का बहुत मिसयूज होता था, बहुत वाटर नष्ट हो जाता था. इसीलिए मॉडर्न मेथड्स अप्लाई किया जाता है. मॉडर्न मेथड्स में मिसयूज ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस्ड. वाटर का मिसयूज नहीं होता है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स मतलब है अननेसेसरी प्लांट्स. जो क्रॉप्स के साथ बहुत सारा प्लांट्स भी हो जाता है, जो प्लांट्स क्या करता है वो क्रॉप्स में से पानी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करके ले लेता है. तो क्रॉप्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है तो क्रॉप्स का ग्रो ठीक से नहीं होता है, उसे कहता है वीड्स. पहले वीड्स से प्लांट को प्रोटेक्शन करना चाहिए. कैसे? कुछ केमिकल यूज करने से, जैसे 2,4-D डालाफोन, पिक्लोराम, ये सब वीडिसाइड. इसको यूज करने से वीड नष्ट हो जाता है, मर जाता है. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट. पेस्ट मतलब रैट्स, वेरियस इंसेक्ट्स जो फीड एंड डैमेज द क्रॉप्स, क्रॉप्स को खा लेता है, डैमेज कर देता है. टू वेज टू कंट्रोल पेस्ट. तो ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए टू वेज यूज किया जाता है. एक होते केमिकल मेथड और एक होते बायोलॉजिकल मेथड. केमिकल मेथड में कुछ केमिकल यूज किया जाता है, जैसे DDT, BSC. और बायोलॉजिकल मेथड में कुछ ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है उसको मारने के लिए. नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग. कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी. क्रॉप्स मैच्योर होने के बाद उसका काटने का जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट, थ्रेसिंग. एडिबल पार्ट्स ऑफ द ग्रेन क्रॉप्स नीड टू बी सेपरेटेड. क्रॉप्स का जो एडिबल पोर्शन है, जो खाने के लायक है, उसको प्लांट से सेपरेट करना पड़ता है, इसे कहता है थ्रेसिंग. नेक्स्ट, विनोइंग. द प्रोसेस टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द चाप. ग्रेन्स के ऊपर एक कवरिंग है, उसे चाप कहता है. तो चाप से ग्रेन का सेपरेट का जो प्रोसेस है, वो चाप को हटा के अंदर से ग्रेन को निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहता है विनोइंग. नेक्स्ट, स्टोरेज. आप क्रॉप को सेपरेट करने के बाद जो ग्रेन्स मिलता है वो ग्रेन्स को क्या किया जाता है, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है. लेकिन स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है? सिलो. सिलो मतलब एयर टाइट रूम, जहाँ पे कोई इंसेक्ट भी नहीं जाएगा और कोई वाटर वेपर भी नहीं जाएगा जो ग्रेन को नष्ट कर देता है. और सिलो के अंदर कौन सा गैस सप्लाई किया जाता है? नाइट्रोजन गैस. अंडरस्टैंड? नाउ लर्न एंड रिवाइज दिस फ्रॉम लेसन 8. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।